कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बीतेक शर्मा। आज है तरकता भरकता संडे कमेंट बॉक्स। बहुत दिन से मैंने संडे कमेंट बॉक्स नहीं बनाया है, तो आप लोगों का सवाल कमेंट मेरे चैनल में बहुत पेंडिंग हो चुका है। तो मेरे चैनल में आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए ताकि आपका प्यार मेरा प्यार वो बन सके, हम लोग एक साथ रह सके। तो सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं। पहला कमेंट लिखता है मिस्टर अजू। वो लिखते हैं कि स्मार्टफोन में गेमिंग के लिए मीडियाटेक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर स्नैपड्रैगन। तो मिस्टर अजू जी, मैं आपको बोल देता हूँ कि मोबाइल के लिए सिर्फ आप स्नैपड्रैगन देख के या फिर आप मीडियाटेक देख के ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्नैपड्रैगन का भी जो चिपसेट है वो गेमिंग चिपसेट अलग के है और मीडियाटेक का भी गेमिंग चिपसेट वो अलग से है। तो स्नैपड्रैगन और या फिर मीडियाटेक, इन दोनों में से ज़्यादा मैं पावर में प्रीफर करूँगा आप स्नैपड्रैगन का गेमिंग चिपसेट में जाइए, क्योंकि उसका जो गेमिंग ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो मेरे भी जितने स्मार्टफोन है उसमें भी स्नैपड्रैगन चिपसेट लगाया गया है। तो अगर आपको प्राइस बता देते तो मैं कह रहा था। तो अगर आपको स्नैपड्रैगन में अगर बजट में अगर स्मार्टफोन चाहिए, मैं आपको कह रहा था कि पोको एम टू प्रो लीजिए, क्योंकि उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 है, वो आप ले सकते हो। उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 13,000 में आ जाएगा, वो भी 6GB वेरिएंट के साथ। वो गेमिंग स्मार्टफोन एकदम बेस्ट रहेगा। अगला वो मैं लिख देगी मिस्टर न्यू जर्सी। वाह, क्या नाम लिखा है, न्यू जर्सी। मिस्टर न्यू जर्सी में ये लिखा है कि आपका वीडियो कंटेंट बीच बीच में फोटो क्लियर नहीं आता है, कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर का कुछ लोचा है या फिर खोचा है। अरे मेरा कुछ लोचा नहीं, कुछ खुचा नहीं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था ना, वो वीडियो मैंने पिछले साल का ही वीडियो था, लेकिन मैंने जो यूट्यूब का जो नया सिस्टम है, जो एल्गोरिथम आया ना, एल्गोरिथम के दौरान जो ये मैंने जो यूट्यूब शॉर्ट में नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको री अपलोड किया। वो जो मैंने मेरे शॉर्ट का जो वीडियो देखा है ना, वो सिर्फ री अपलोड वाला है, क्योंकि वो ऐसे करके सीधा है, ऐसा है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट, ऐसे करके है। अगला को मैं लिखते हैं मिस्टर मनोज। वाह, ये नाम सही है। ये लिखते हैं कि यूट्यूब कॉपीराइट का कुछ नया लोचा आया फिर से लोचा यूट्यूब कॉपीराइट का कुछ नया लोचा आया है कॉपीराइट का नया सिस्टम के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, यूट्यूब कॉपीराइट का जो मैंने सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम में है जो आपको याद रखने से भी आपको याद आप रख पाएंगे, बहुत इजी है। तो YouTube कॉपीराइट के बारे में मैं आपको कह रहता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, बस ये दो चीज़ है और कुछ नहीं है। कॉपीराइट क्लेम ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिसका वीडियो आप यूज़ करते हो ना आपके चैनल में, 100% अगर नहीं कि आपने 50% यूज़ किया, 100% 50% का मतलब ये है कि आपका किसी और का कॉन्टेंट का सिर्फ आपने ऑडियो यूज़ किया, वीडियो यूज़ किया नहीं, तो उसका वो जो आपका कॉपीराइट क्लेम देगा ना, वो क्लेम रेवेन्यू शेयर का होगा या फिर वीडियो रिमूव का होगा, तो आप चैनल का बचा सकते हो। लेकिन अगर आपने IPL लाइव स्ट्रीम जैसे और किसी लाइव टीवी का शो का अगर आप वीडियो अपलोड कर दिया, तो टीवी चैनल वाले आपके चैनल में डायरेक्ट स्ट्राइक घुसेर देंगे। तो यूट्यूब चैनल में 3 मंथ के लिए ऐसे आपके चैनल में पेंडिंग की तरफ पड़ जाएगा। 3 मंथ आप अपने चैनल में कुछ भी ना आप नहीं कर पाएंगे, मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे या फिर आपका चैनल बर्बाद भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आपको अपने चैनल में कुछ कंटेंट डालना है तो कॉपीराइट फ्री हो तो वो बढ़िया है, लेकिन टी सीरीज़ का अगर गाना आप यूज़ करते हो ना, तो टी सीरीज़ का एक भरोसा है मेरे पास, क्योंकि मैं भी बहुत सारा गाना
टी सीरीज़ का यूज़ करता हूँ कि टी सीरीज़ का मैंने सिर्फ एम पी थ्री यूज़ करता हूँ, ताकि मेरे चैनल में सिर्फ कॉपीराइट का क्लेम आए, स्ट्राइक नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एम पी थ्री यूज़ करता हूँ, फुल वीडियो नहीं। और फुल वीडियो यूज़ करने से तुम्हारा क्या क्रिएट होगा? अरे क्रिएटर बनना चाहिए, क्रिएटर इज़ ए कॉन्टेंट, कॉन्टेंट क्रिएटर। अगला कमेंट लिखते हैं कि 4000 घंटा बढ़ाने में कितना दिन लगेगा? ये मेरा हो जाए 4000 घंटा, उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि 4000 घंटा बढ़ाने के लिए कितना घंटे का आवश्यक होगा। अगला कमेंट लिखते हैं कि नोकिया का ऐसा स्मार्टफोन क्यों नहीं है जो कि माइक्रोमैक्स जैसे को टक्कर नहीं दे पाए? देखिए नोकिया का जो स्मार्टफोन आया, नोकिया का एक अलग ही पहचान हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नोकिया का पहला बार फोन आया, उसके बाद आया फिशर फोन। फिशर फोन में दो सिस्टम था, दो वेरिएंट था, एक था जावा वेरिएंट, एक था सेम्बेन वेरिएंट। और फिशर फोन के बाद आया तस वेरिएंट। तस में भी उन लोग ने क्या किया, एक जावा में रखा और एक सेम्बेन में रखा। उसके बाद एक म्यूजिक कॉन्टेंट वाला स्मार्ट म्यूजिक कॉन्टेंट में लाया, म्यूजिक एक्सपीरियंस म्यूजिक। एक्सपीरियंस म्यूजिक भी उन लोग ने टच में जावा भी रखा, वो भी रखा। उसके बाद आया नोकिया। जब मार्केट में जो विंडोज़ का ज़माना आया ना, माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया का जो कलाब्रेशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चला कुछ दिन तक। उसके बाद नोकिया एंड्रॉयड में मार्केट आने आने में थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए अभी नोकिया का मार्केट इंडिया में है लेकिन थोड़ा डाउन है। लेकिन नोकिया और एम आई इसलिए तक नहीं दे पा रहा है कि एम आई का मतलब क्या है कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और एम आई यूज़र मतलब क्या होता है कि जो एम आई स्मार्टफोन एक बार ले लेते हैं ना, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो दोबारा एम आई लेगा। तो नोकिया का जो फीचर स्मार्टफोन का जितना फीचर होना चाहिए ना, उतना प्राइस एम आई लाता है, उतना प्राइस में नोकिया नहीं ला सकता शायद। अगर ला देगा तो बढ़िया बात है। तो इस हिसाब से नोकिया थोड़ा अभी इंडिया में मार्केट डाउन है इस हिसाब से। अगला को मैं लिखते हैं कि पबजी वालों के लिए गुड न्यूज़ कब आएगा, प्ले स्टोर में पबजी कब आएगा? पबजी इतनी खुशी पता नहीं कब आएगी, इतनी खुशी पबजी प्ले स्टोर में कब आएगा? ये तो जैसे मैंने पिछले मेरे चैनल में जितना मैंने वीडियो बनाया ना, पबजी के बारे में बोला ही है मैंने। कम से कम मेरे 100 वीडियो में पबजी के बारे में बोला, इसी वीडियो में मैंने पबजी के बारे में बोल रहा हूँ। मतलब क्या है कि PUBG प्ले स्टोर में तभी आएगा जब माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ वो कोलाब्रेशन करे, और जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया का साइबर डिपार्टमेंट रखा है वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो। और हम लोग का जो डाटा होता है जब हम PUBG खेलते हैं, PUBG का जो हम फेसबुक से लॉगिन करता है, वो डाटा अभी हवा में उड़ रहा है, किसी क्लाउड स्टोरेज में स्टोर हो रहा है, एक सिक्योर स्टोरेज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एजोर का सिक्योर स्टोरेज में अगर सेव हो जाए तो हमारे फेसबुक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपको बहुत एक टिप्स देता हूँ, चाइना में पबजी जैसा गेम, सेम टू सेम गेम, वो है गेम ऑफ स्पीच। चाइना वाले पबजी बनाया का डेवलपर है लेकिन ओनर नहीं है, ओनर नहीं है, डेवलपर जिस गेम को बनाने में मदद किया, डेवलपर ओनर है ब्रेंडन ग्रिंच जो कोरियन का है। मैं कह रहा हूँ कि साइना में क्या है कि पबजी का सेम गेम खेलता है गेम ऑफ स्पीच, लेकिन उन लोग जो पबजी में जो खेलता है ना वो ट्विटर अकाउंट से खेलता है, क्योंकि फेसबुक अकाउंट में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों से सब कनेक्ट रहता है और मैसेज का इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देता है। तो इस हिसाब से मैं आपको कहता हूँ कि जो बंदे पबजी को ट्विटर अकाउंट से खेला है ना, वो लोग ज़्यादा सिक्योर है, जैसे कि मैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि नया से पबजी खेलेंगे तो कृपया करके एक ट्विटर अकाउंट बना लो, उसमें रिडायरेक्ट हो जाओ, उसमें लॉगिन कर लो, कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फेसबुक सेफ रहेगा, क्योंकि फेसबुक अलग है, मार्क जुकरबर्ग का है, और पबजी है दो, पबजी में दो कंट्री घुसा है, ब्रेंडन ग्रिंच नॉर्थ कोरियन और साइना है उसका टेंशेंट। बहुत सारे लोगों ने कहा कि टेंशन उसका हटा दी, अभी नहीं है। कोरियन वर्सन में टेंशन नहीं है, लेकिन कोरियन वर्सन खेलने के लिए अभी VPN यूज़ करना पड़ेगा, वर्टिकल प्रवीण या तो जो VPN खेलने नहीं खेलने से ही बढ़िया है। तो मैंने भी जब से ये पबजी प्ले स्टोर से गायब हुआ है ना, तो मैं भी तभी से गायब ही हूँ। आएगा पबजी, क्यों नहीं आएगा, आएगा, लेकिन इंडिया वालों ऐसे जो VPN की मदद से ऐसे में जो खेलना नहीं सही है, क्योंकि सरकार से अगर बैन है तो बैन रखना सही है मेरे हिसाब से,
बाकी पबजी लवर तो खेलेगा ही या फिर नहीं खेलेगा, क्या कहना है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। बस आज के लिए इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। तो आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।